आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही फेमस गैंगस्टर है। और आपको बताना चाहेंगे इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन उसकी काली करतूतों और जुर्म की दुनिया में कोई कमी नहीं आई है। वो जेल में रहकर ही अपनी जुर्म की दुनिया को सुचारू रूप से चालू किए हुए है। सलाखों के पीछे से ही वो अपने गैंग को ऑपरेट करता है और लोगों के दिलों में अपनी दहशत बनाए हुए है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ही दर्जन भर गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कहीं वर्चस्व को लेकर दो गैंग आपस में भिड़ रहे होते हैं, तो कहीं जमीन या प्रॉपर्टी विवाद में रंजिश ने जन्म ले लेती है। इन गैंगों के बीच चल रही रंजिश में 100 से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं। ये बदमाश हमेशा ही एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं, जिससे वो दूसरे से ज्यादा ताकतवर अपने आप को साबित कर सकें। और इस दौरान वो बीच सड़क पर भी खून बहाने से नहीं कतराते। आज हम आपको एक ऐसे ही गैंगस्टर के बारे में बताना चाहेंगे। आपको बता दें, ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि नीरज बवाना है। आपको बता दें, बाहरी दिल्ली में आज के समय में सबसे बड़ा बदमाश नीरज बवाना है। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद वो अपने गुर्गों के माध्यम से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहता है। ये नाम बनाने के लिए उसने पहले अपने साथी और बाद में विरोधी रहे सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा के गैंग के सभी प्रमुख बदमाशों को मार डाला था। नीतू दबोदा अब स्पेशल सेल की मुठभेड़ में मारा गया, तब से नीरज और मजबूत होता चला गया। दोनों तरफ से अब तक एक दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। अपने विरोधी गैंगस्टरों को खत्म करके ये गैंगस्टर अपना दबदबा और रुतबा बनाए रखते हैं, जिससे इनका नाम हो सके और कोई दूसरा इनके सामने सर न उठा सके। नीरज बवाना ने भी अपने विरोधियों का सफाया किया है और अब वो जेल में बंद है, लेकिन उसके काले करतूतों में कोई कमी नहीं आ रही है। वो जेल में रहकर ही अपने जुर्म की दुनिया को ऑपरेट कर रहा है और अपने गुर्गों को ऑर्डर देता है। नीरज बवाना की आपराधिक गतिविधियां जेल में रहकर भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नीरज बवाना पर हत्या, लूट, डकैती जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। नीरज बवाना गैंग की लोगों में काफी दहशत है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके नापाक मंसूबे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नीरज बवाना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।